हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो इस बीच जो लॉकडाउन के बीच में जो घर जाने वाले प्रवासी मजदूर हैं, उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों के चेहरे पर प्रशासन की ओर से इंतजाम ना किए जाने और जो है उसकी बेबसी साफ देखने को मिल रही है। टोहाना के गांव खनौरा से पैदल आ रहे मजदूर अपनी बेबसी दुख बयां कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि वो कल शाम के समय से गांव से निकल पड़े थे, जिसके बाद नगर परिषद टोहाना में रुक गए, लेकिन उनके घर जाने के लिए इंतजाम ना होने से पैदल ही उन्हें जाना पड़ रहा है। दिक्कत परेशानी है, अरे सर काम बंद हो गया है, हमने काम करने के लिए आए हैं, अगर काम बंद हो गया 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए कुछ दिन बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसका कौन देगा खाना, घर से खाना चले घर चले जाते हैं इस तरह के फिलहाल में। अगर जब काम चालू होगा तो सर आएंगे, ना कोई साधन है ना कुछ है। रात भर नगर परिषद में रुके हुए थे हम, अब जा रहे हैं पैदल, कोई साधन कोई व्यवस्था नहीं हुई। कम से कम व्यवस्था साधन होना चाहिए इसके जाने के लिए, सरकार को कम से कम करना चाहिए। रुके थे हम लोग नगर निगम में, खाना पीना खाए पिए व्यवस्था किए, फिर उसके बाद ये कौन सा थाना पड़ता है वहाँ पे गए, तो फिर रात में उसने बोला कि सिटी थाना में जाओ, फिर वहाँ भी जाने लगे तो फिर बोले वह चलो रुकी जाओ सुबह ही जाएंगे। सर दिक्कत हो रही है, कम से कम घर वाले भी दिक्कत में फंसे, हम लोग भी दिक्कत में।